हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 14 करेंगे। डेट है इसकी 25 अगस्त 2021। और इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। तो देखिए, इन द प्रीवियस वर्कशीट नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, वी अंडरस्टूड दैट वेरिएशन इज़ फाउंड एवरीवेयर। जो हमारी पिछली वर्कशीट नंबर 1 थी, जो पहली वर्कशीट थी SST की, उसमें हमने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी जो हमारी डाइवर्सिटी होती है उसके बारे में समझा था। वी अंडरस्टूड दैट वेरिएशन इज़ फाउंड एवरीवेयर। हर भारत में जो है ना, भारत में हर जगह एकदम अलग है। भारत में बहुत सारे रिलीजियंस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ये सब डाइवर्सिटी के अंदर आता है। द वेरिएशन इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। जो भी अलग अलग वेरिएशन है, वेराइटीज़ हैं, उन्हीं को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। विच शोज़ द फीचर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म इन सोसाइटी। जो डाइवर्सिटी है वो फीचर को दिखाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या सोसाइटी हो। यानी डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कितने अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, कोई पंजाबी, कोई सिख, काफ़ी रिलीजियंस हैं, काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी अलग अलग टाइप के लोग कपड़े पहनते हैं, इन चीज़ों को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। इन दिस वर्कशीट लेट अस फाइंड हाउ जियोग्राफी इन्फ्लुएंसेस डाइवर्सिटी। इस वर्कशीट में चलिए पढ़ते हैं कि जो जियोग्राफी होती है अलग अलग जगह की, वो भी कैसे डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब डाइवर्सिटी के अंदर जियोग्राफी भी आ जाती है। एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि अब डाइवर्सिटी में कई लोग अलग अलग जगह रहते हैं। इस वर्कशीट में हम लद्दाख और केरला के बारे में जानने वाले हैं, केरला और लद्दाख के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि लद्दाख जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, जबकि जो केरला है वो गर्मी से भरा हुआ है। तो यानी अलग अलग जगह में अलग अलग वेदर होता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है, और ये भी डाइवर्सिटी का ही एक पार्ट है। सो लेट अस रीड जियोग्राफिकल फैक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के दो डिफरेंट रीजन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनके जियोग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो लद्दाख, लद्दाख कहाँ पड़ता है? भारत में सबसे ऊपर जहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, वहीं पर आपका लद्दाख आपको मिलेगा, ठीक है। लद्दाख वहीं पर होता है, बहुत टॉप पे होता है, इसलिए बहुत कोल्ड होता है। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की ईस्ट साइड में लद्दाख देखने को आपको मिल जाएगा। बहुत ठंडा रहता है यहाँ पर, माउंटेन्स के पास है लद्दाख, मतलब कोल्ड डेजर्ट है इन द माउंटेन्स, ठीक है। वेरी लिटल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। यहाँ पर बहुत कम एग्रीकल्चर यानी जो कृषि होती है, जो खेती होती है, वो बहुत कम हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर इस जगह बहुत मुश्किल से बारिश आती है, वरना बारिश होती ही नहीं है। इट इज़ कवर्ड इन द स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पर जो स्नो होती है यानी बर्फ, बर्फ से ही ये जगह घिरी रहती है एक साल से, मतलब सालों सालों ये बर्फ से ही घिरी रहती है जगह। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। और पानी पीने के लिए भी जो लोग हैं, वो जो स्नो होती है, मतलब देखो जब गर्मी का मौसम आएगा तो थोड़ी सी स्नो रहेगी, गर्मी के मौसम में भी इस जगह स्नो रहती ही है, लेकिन स्नो थोड़ी बहुत पिघल जाती है। तो जब वो स्नो यानी जो बर्फ है, स्नो का मतलब है बर्फ, जो बर्फ है वो पिघल जाएगी तो पानी निकलेगा, उसी पानी पर इस पूरे एरिया के लोग डिपेंड रहते हैं, और कहीं से इन लोगों को पानी नहीं मिलता है। पीपल हेयर कीप शीप, गॉट, डिजर्व्स या काउस। तो यहाँ पर लोग क्या क्या पालते हैं? शीप्स को पालते हैं, गॉट को पालते हैं, और जो याक होती हैं उनको पालते हैं। द गॉड्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। आपको पश्मीना वूल के बारे में पता होगा, तो ये भी जो जम्मू एंड कश्मीर वाला लद्दाख का एरिया है, यहीं से आती है। तो लद्दाख के एरिया में जो गॉड्स होती हैं, बकरियाँ होती हैं, वो काफ़ी स्पेशल होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं से पश्मीना वूल लोगों को मिलता है। द हेयर ऑफ द शीप इज़ ऑल्सो यूज टू मेक वूलन्स। और यहाँ की जो शीप होती हैं, उनके हेयर से, उनके बालों से वूलन्स बनाए जाते हैं। वूलन्स क्या होते हैं? कपड़े, जिनसे ठंड ना लगे। द पीपल ईट मीट एंड याक्स मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। तो यहाँ के लोग मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, और जो याक होती है, याक का मतलब आपको याक पता होगी ना, याक हमने पढ़ा, एनिमल होता है याक। तो याक का जो दूध होता है, उससे चीज़ और बटर यहाँ पर बनाया जाता है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गॉड्स एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। यहाँ के लोग, लद्दाख के लोग क्या करते हैं, केयरफुली कलेक्ट करते हैं वूल को गॉड्स में से, जो बकरियाँ होती हैं उनके वूल को केयरफुली कलेक्ट करते हैं, केयरफुली उनमें से वूल निकालते हैं, और इसी वूल को, इसी ऊन को क्या करते हैं वो लोग, कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं।
ठीक है, तो लद्दाख के लोग ऐसे ही करते हैं, वो व्यापार करते हैं एक तरीके से, वूल्स लेते हैं बकरियों में से और कश्मीर के जो व्यापारी होते हैं उनको बेच देते हैं। पीपल वियर वूलन्स, यहाँ के लोग वूलन्स क्लोथ पहनते हैं, ठीक है, वूलन क्लोथ जो बकरियों और शीप वगैरह को के बालों को निकाल कर बनाया जाता है। तो अब फाइंड आउट द रीजंस, अब यहाँ आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर द पीपल लिविंग इन लद्दाख वियर वूलन्स, यानी लद्दाख में रहने वाले लोग वूलन क्लोथ क्यों पहनते हैं? तो क्यों पहनते हैं, क्योंकि बहुत ठंड होती है इसलिए उन्हें वूलन्स पहनने पड़ते हैं। लद्दाखी पीपल वियर वूलन क्लोथ बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड देयर, लद्दाखी पीपल वूलन क्लोथ इसलिए पहनते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ये आप इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग इन लद्दाख इज मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट, यानी जो लद्दाख के रहने वाले लोग हैं वो मेन फूड उनका मीट और मिल्क प्रोडक्ट क्यों है, यानी लद्दाख के लोग सिर्फ दूध से बनी चीज़ें और मांस ही क्यों खाते हैं और कुछ प्लांट वाला क्यों नहीं खाते? क्योंकि देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ एग्रीकल्चर बहुत कम है, लद्दाख इज़ वेरी कोल्ड प्लेस एंड देयर इज़ स्नो हेयर, दिस इज़ द रीज़न एग्रीकल्चर कैनॉट बी डन ईजिली ड्यू टू विच पीपल हेयर डिपेंड ऑन मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी लद्दाख एक बहुत ठंडी जगह है और यहाँ पर जो बर्फ़ है वो भी बहुत कम, मतलब कम नहीं सॉरी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, यही रीज़न है कि यहाँ पर कृषि ज़्यादा नहीं हो पाती, यहाँ पर खेती बाड़ी उतनी नहीं हो पाती और इसी कारण से जो यहाँ के लोग हैं वो खेती तो करेंगे नहीं, यानी प्लांट से तो उनके खाना मिलने नहीं वाला, तो वो क्या करते हैं मीट यानी मांस पर ही डिपेंड रहते हैं और जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें ही खाते हैं, ठीक है। अब केरला के बारे में पढ़ते हैं, ये हमने लद्दाख को जाना, अब केरला, केरला बिल्कुल अपोजिट है लद्दाख का। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, ये साउथ की तरफ पड़ता है, भारत का नक्शा आपने देखा होगा सबसे टॉप पे आपका लद्दाख मिलेगा, सबसे नीचे साइड पे आपको केरला मिलेगा, ठीक है, तो सबसे नीचे साउथ साइड में केरला मिलेगा। इट इज़ सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड द हिल्स ऑन द अदर, केरला के एक साइड पे तो नदियाँ हैं और एक साइड पे पेड़ हैं। इट हैज़ सीजनल हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती ही रहती है। अ नंबर ऑफ स्पीशीज लाइक पेपर क्लॉव्स एंड कार्डामोन ग्रोस ऑन द हिल्स, और यहाँ पर काफ़ी टाइप के मसाले मिल जाते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्पाइसेज दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, और यहाँ के जो मसाले होते हैं, यहाँ के मसाले लेने के लिए स्पेशली जो व्यापारी होते हैं वो इधर आते हैं, यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि केरला में काफ़ी सारे स्पाइसेस यानी मसाले आते हैं, पहाड़ों पे मसाले मिलते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा व्यापारी यहाँ जाकर स्पाइसेस को लेकर आते हैं, जो मसाले होते हैं उन्हें लेते हैं। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस फिश एंड वेजिटेबल्स, यहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ पर राइस अच्छी तरीके से उग सकता है, यानी राइस उगाने का ही जो धरती है वो फर्टाइल है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए राइस उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग राइस ही खाते हैं। और देखिए ये लोग नदी के किनारे रहते हैं तो फिशिंग भी बहुत होती है, इसलिए फ़िश और वेजिटेबल्स, राइस फिश वेजिटेबल्स यही लोग ये लोग ज़्यादा खाते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला इज़ धोती, ट्रेडिशनल ड्रेस जो केरला की वो है वो धोती है, हेयर इट इज़ कॉल्ड मुंडू, और केरला में धोती को क्या कहा जाता है, मुंडू कहा जाता है। मुंडू इज़ नॉर्मली वूवन इन कॉटन, कॉटन की ही मुंडू होती हैं, ज़्यादा धोती कॉटन की ही होती हैं, ठीक है। तो ये हमने केरला के बारे में जाना, अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई आर द पीपल लिविंग इन केरला ट्रेडिशनली वियर कॉटन क्लोथ, यानी केरला में रहने वाले लोग कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं? तो द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई इन केरला सो दे वियर कॉटन क्लोथ्स, यानी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है, बहुत गर्मी रहती है, इसलिए ये लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है इसलिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग इन लद्दाख इज़ राइस फिश एंड वेजिटेबल्स, लद्दाख के रहने वाले लोगों का मेन फूड राइस फिश और वेजिटेबल्स क्यों होता है? लद्दाख नहीं सॉरी केरला, यहाँ पर लद्दाख गलत लिख दिया, यहाँ पर केरला हो जाएगा, ठीक है, गलत लिख दिया, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर केरला होगा, ठीक है। तो केरला में रहने वाले लोगों का मेन फूड राइस फिश और वेजिटेबल्स क्यों होते हैं? तो केरला इज़ द कोस्टल रीजन, द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस फिश एंड वेजिटेबल्स, ये आप इसका आंसर लिख लेंगे। कोस्टल रीजन का मतलब है नदी के किनारे पड़ने वाला एक ये स्टेट है, तो केरला नदी के किनारे पड़ता है इसलिए यहाँ पर क्या है, एक लैंड भी फर्टाइल है एकदम, और क्लाइमेट भी कैसा है, राइस उगाने वाला ही है, यानी यहाँ पर राइस उगाने का एकदम परफेक्ट जगह है केरला, तो केरला में राइस ज़्यादा इसलिए उगाया जाता है, और एक कोस्टल रीजन है, नदी के किनारे है, इसलिए यहाँ पर फिशिंग होती है, और इसलिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ क्या खाते हैं,
फिश, वेजिटेबल और राइस ही खाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपकी जो वर्कशीट है वो फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।